हेलो गाइस, मैं दीक्षा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एआर दीक्षा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल बड़ी, चना की जो दाल की बड़ी होती है वो, और वो भी ना सुखाने का झंझट और ना ही तलने का झंझट, बहुत इजी तरीके से लेकर आई हूँ। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत टेस्टी लगेंगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है हमारी दाल बड़ी, वो भी स्टीम वाली, बहुत इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, जो चना की दाल बड़ी है उसके बनाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप चना दाल ली है। उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हैं। देखिए, हमारी फ्रेंड्स अच्छे से भीग चुकी है। आप इसको कट करके देखें तो बहुत अच्छे से कट हो रही है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने मिक्सर जार ले लिया है, जो बड़ा वाला होता है। अब हम अपनी चना दाल को पीस लेंगे। हमें यहाँ पे एकदम फाइन नहीं पीसना है, थोड़ा दर दर टाइप का रखना है। तो चलिए पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे जो अपनी चना दाल थी वो पीस ली है। फ्रेंड्स, आपको पीसते वक्त थोड़ा सा पानी भी लग सकता है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला था, तो अब मैंने यहाँ पे पीस के कर लिया है रेडी। अब हम इसको कर लेते हैं एक बाउल में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने बाउल में जो चना की दाल थी वो मैंने कर ली है, और आपको इसी टाइप से पीसनी है ना। इसमें ज़्यादा पानी मत डालिए ताकि ज़्यादा पतली हो जाए। हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ 1/4 स्पून हल्दी पाउडर लिया है, और उसके बाद लिया है मैंने ये काला नमक 1/2 स्पून, 1/2 टीस्पून। इसके बाद लिया है मैंने ये काली मिर्च का पाउडर 1/4 स्पून, और ये लिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपके पास हो तो आप जरूर डालें, और सारे मसालों को कर लेंगे हम अपनी दाल में मिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपने जो मसाले थे वो दाल में कर लिए मिक्स। अब हम इसको हटाएंगे और चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो हम बड़ी हैं वो आज स्टीम में बनाने वाले हैं बिना तले हुए। तो उसके लिए मैंने भगोने में पानी रखा है, उसमें आने देंगे थोड़ी सी स्टीम। तो स्टीम आने के लिए मैंने ढक दिया यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 मिनट के बाद ही, 1 मिनट भी नहीं लगता है, स्टीम आ जाती है। तो यहाँ स्टीम आ चुकी है पानी में। जैसे ही बॉईल आ जाए तो आप एक छलनी की हेल्प से, इस टाइप की हो, या फिर आपको अपना ऐसे सूती कोई जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे भी बांध लीजिए चारों तरफ, उसमें भी बना सकते हैं। तो मैंने छलनी का यूज किया है, तो उसको कर लेंगे हम ग्रीस ऑयल से। चारों तरफ अच्छे से आप ऑयल लगा लीजिए ताकि जो हमारी जो बरी है वो उसमें चिपके ना। तो हम अपने साइज के हिसाब से छोटी छोटी तोड़ लेंगे। आपको जो भी साइज पसंद हो, तो मेरा ये जो साइज है मीडियम है, ना ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी साइज की है। तो अब हम सारी बरियों को तोड़ लेंगे, यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो सारी बरियां हैं वो बन चुकी हैं। अब हम इसको ढक के स्टीम लगाएंगे इसमें 2 से 3 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो बड़ी बनी हुई थी वो स्टीम हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरीके से उठा के देखिए, अगर स्टीम हो जाएंगी तो वो अपने आप से ही बर्तन छोड़ देंगी, छुटने लगेंगी। तो अब मैं कर लेती हूँ इनको अलग अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ इनको मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है प्लेट में। अब हम सेम तरीके से अब मेरा थोड़ा और जो बचा हुआ है उसको भी बना लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा पानी आप पहले लगा लीजिए ताकि जो हाथ में चिपके ना, फिर से जो अपनी जो बरी है वो हम बनाएंगे चना दाल की। तो फिर से हम अपने हिसाब, अपने साइज के अकॉर्डिंग उसमें तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद फिर से हम 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे स्टीम लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप बर्तन हटाएं बढ़िया स्टीम होने के बाद, तो बहुत हिसाब से हटाएं, क्योंकि गर्म होती है, तो आप कपड़े की हेल्प से ही हटाएं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ सारी बढ़िया बनने के
बन के तैयार है तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपकी बढ़िया है जो अच्छे से नहीं बनी होंगी तो आप ऐसे हाथ में लेंगे ना तो उसमें हाथ में थोड़ी दाल लग जाएगी, तो हमारे यहाँ हाथ में दाल नहीं लग रही है, इसका मतलब अच्छे से बन चुकी है। तो अब हम ले चलते हैं अपनी गैस की तरफ। मैंने रखी है कढ़ाई, गैस को किया है ऑन, उसमें डालेंगे हम फ्रेंड्स ऑयल, आपको जो भी ऑयल पसंद हो। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। गर्म होने के बाद जीरा, जीरे को थोड़ी देर चटकने देंगे। मैंने यहाँ 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल लिया है, आप अगर कम खाते हैं तो कम लीजिए, ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा लीजिए। हम डालेंगे कुछ इसमें खड़े मसाले। तो फ्रेंड्स अब खड़े मसाले मैं यहाँ डालती हूँ लौंग 4 से 5, और ये बड़ी इलायची आती है जो ना मसाले वाली वो, और दालचीनी का टुकड़ा, और लास्ट में डाल देंगे जो काली मिर्च होती है साबुत वो। तो हमने 4 से 5 खड़े मसाले लिए हैं, आपको जो भी खड़े मसाले पसंद हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मैंने उनको थोड़ा तड़कने के बाद मैं लिया है यहाँ 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, और ये थोड़ा अदरक का टुकड़ा था 1 से 1.5 इंच का, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसको भी यहाँ पे भूनेंगे। और ये सब भुनने के बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के रख लिया था मिक्सी में, मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया था। 2 मीडियम साइज की प्याज थी, उसको हम यहाँ पे भून लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो प्याज आप कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे प्यूरी बनाई है तो हम डालेंगे यहाँ कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ लिया है 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 स्पून धनिया पाउडर। आप मिर्च अपने हिसाब से डालिए। और ये मैंने लिया है 1/2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है ऐसे, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डालें, कम पसंद हो तो आप यहाँ मिर्च की क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला यहाँ पे हमारा पक के रेडी हो चुका है बन के, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग जाती है जब मसाला पक जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने टमाटर की प्यूरी ली है, इसको मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के चला लिया था और पेस्ट बना लिया है। अब उसको भी भूनेंगे हम यहाँ पे अपने मसालों के साथ, जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए, जो हमारा ऑयल डाला हुआ है रिलीफ ना हो जाए। तो हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो टमाटर की पूरी थी वो भी पक चुकी है। अब मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है 1/2 स्पून। फ्रेंड्स आप नमक बहुत ध्यान से डालें, क्योंकि हमने जो बढ़िया बनाई थी उसमें भी डाला था, और यहाँ से यहाँ डालेंगे 1 से 2 पिंच हींग। तो फ्रेंड्स हम हींग डालना स्टार्टिंग में भूल गए थे, आप स्टार्टिंग में डाल दीजिए, तो मैंने इसलिए अभी डाली है यहाँ पे, और फिर से चलाएंगे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पे जो मसाले से जो ऑयल था सारा रिलीफ हो चुका है, अलग हो चुका है, और हमारा मसाला भुन के रेडी है। अब हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑयल अलग हो गया मसाले में से, और अच्छा से मसाला जो है हमारा पक चुका है। इसमें जो हमारी बनाई हुई दाल की जो बढ़िया थी ना वो डाल देंगे हम। फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है, जैसे हम जो बढ़िया बनाते हैं फिर धूप में सुखाते हैं, उस सब का झंझट नहीं है। आपको जब भी बनाना हो आप इस तरीके जरूर एक बार ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है ये। और फ्रेंड्स अब हम मसाले के साथ जो हमारी बड़ी हैं उनको हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे मसाले के साथ मिक्स कर दिया। अब हम डालेंगे इसमें पानी, तो आपको पानी उतना चाहिए जो हमारी बढ़िया है, जो अच्छे से पानी में डूब जाए या उसके बराबर का पानी आप लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे और पानी डाल देती हूँ, थोड़ा मुझे कम लग रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे इतना पानी ले लिया है, जो हमारी बढ़िया थी वो उसमें अच्छे से डिप हो चुकी हैं। आप यहाँ पर पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी पतली टाइप की सब्जी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो आप थोड़ा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें, नहीं तो आप ये मैं इतना पानी जो है सही है, मीडियम है। हम ढक के पकाएंगे अपनी सब्जी को। तो फ्रेंड्स देखिए 6 से 7 मिनट के बाद सब्जी मैंने पकने दिया था, और एक बार मैंने बीच में चला दी थी। तो फ्रेंड्स देखिए 6 से 7 मिनट के बाद हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। आपको दिख भी रहा होगा कि मैंने जो पहले पानी की क्वांटिटी ली थी कितनी कम हो गई है। अब हम यहाँ डालेंगे गरम मसाला, तो मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है।
अगर आप चाहें तो गरम मसाला ना भी डालें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो खड़े मसाले डाल दिए थे, और यहाँ हम डालेंगे कुछ धनिया पत्ती। धनिया पत्ती गरम मसाला आपको लास्ट में ही डालना है फ्रेंड, इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग में ना डालें। और अब हम डाल देंगे धनिया पत्ती अपनी और मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स हमारी जो दाल की बढ़िया है वो एकदम बन के रेडी है। हम गैस को कर देंगे बंद। और देखिए फ्रेंड्स, कुछ देर रखने के बाद जो हमारी सब्जी है वो और ज़्यादा थिक हो जाती है, क्योंकि ये जो दाल की बड़ी है थिक हो जाती है सब्जी रखने के बाद। और तो इसलिए आप ये ना देखें पानी ज़्यादा है, तो अब हम सर्विंग के लिए कर लेंगे इसको एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स ये जो चना दाल की बड़ी है ना, बहुत ही टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार जरूर बनाएं, जरूर घर पर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने प्लेट में सर्विंग के लिए रख लिया है सब्जी को, और इसमें हम ऊपर से थोड़ा डेकोरेशन कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम धनिया पत्ती। तो फ्रेंड्स हमारी जो आज की चना दाल की रेसिपी थी वो बन के एकदम रेडी है। आप जरूर बनाइए घर पे, जरूर ट्राई कीजिए, बहुत जल्दी से बन जाती है। आप इसको चपाती के साथ या पराठे के साथ, अपने मनपसंद किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी रेसिपी है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साइड में दी हुई बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुँचे। और फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप बनाइए, एंजॉय कीजिए।